एक दिन में नहीं बढ़ा तो आगे नहीं बढ़ेगा? आगे से बता तो रहा हूँ, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल वेट गेन नहीं हुआ तब तो आपके फैट सेल्स ने ना वाटर पकड़ा ना फैट पकड़ा। कुछ कह रहे थे भाई, जैसे आज खाया हमने तो उसके उससे मोटा पतला तो इंसान कितने घंटे बाद पता लगता है कि वो मोटा हो गया पतला हो गया। देखो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कभी भी सेम नहीं होता। जैसे कि अगर हम मानते हैं एक न्यूट्रिशन प्लान में कि वो फिक्स्ड है कि वो 1800-1900 कैलोरी, सपोज आपका, मैंने आपका बीएमआर लगा लिया वो 2200 और उसके हिसाब से मैं आपकी डाइट बना रहा हूँ, तो सबसे पहली बात तो वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। पर वो बस एक जनरलाइजेशन के लिए, रेफरेंस पॉइंट के लिए सही रहता है, क्योंकि जो जितनी हम स्लीप करते हैं, जितनी हमारी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस होती है कि हम एक्सरसाइज के अलावा जो सब करते हैं, तो वो सब टोटल जो है वो हर रोज अलग आता है। ठीक है, तो अब आपने सपोज कल खाया बहुत ज्यादा, सपोज आपने 4000 कैलोरीज खा ली कल, तो वो ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो 4000 कैलोरीज आपके फैट गेन में क्या कंट्रीब्यूट करे विद इन 24 आवर्स। पर उसमें से जितना भी आपका वेट बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल आपका वेट आज 100 किलो है और कल आज 4000 कैलोरीज खा के कल आपको 105 हो गया, तो 105 नहीं होगा, कल भी 100 ही था। अरे मैं, अच्छा कल भी 100 ही था, आज भी 100 ही है, तो कोई आपका वेट बढ़ा ही नहीं ना। एक दिन में नहीं बढ़ा तो आगे नहीं बढ़ेगा? आगे से बता तो रहा हूँ, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल वेट गेन नहीं हुआ तब तो आपकी बॉडी ने ना ही कोई लाइक आपके फैट सेल्स ने ना वाटर पकड़ा ना फैट पकड़ा। लॉन्ग पीरियड खाते रहे, फैट सेल्स ने पानी भरना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी भर गया, फैट सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, उसके बाद बॉडी एक्स्ट्रा फैट स्टोर करना शुरू कर देगी, क्योंकि जो बॉडी हमारी वो इस मैकेनिज्म में बनी हुई है कि अगर हम आदिवासी थे और हमारे को खाना नहीं मिलना था 10-10 दिन, तो हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में स्टोर करके रखती थी फैक्ट्री में अपने गोडाउन में कि भाई कल को खाना नहीं मिला तो हम स्टोर्ड फैट में जी लेंगे डाइटरी फैट को काट काट के। तो आप जितना एक्स्ट्रा खाओगे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक वो आपके फैट गेन में कन्वर्ट करेगा, ना कि आप एक दिन या दो दिन में खा के करोगे तो वो आपको मोटा कर देगा। अगर मैं अपना केस बता रहा हूँ, जब मैं 72 kgs का भी हो गया था तब मैं अगर एक दिन में 10000 कैलोरीज खा लेता तो अगले दिन मेरे 77 हो जाता था वेट। तो किलो बढ़ जाता था? हाँ, 5-7 भी बढ़ा हुआ है कभी कभार तो एक दिन में। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फैट सेल्स श्रिंक हो गए थे बिल्कुल, पर फैट सेल्स का नंबर कम नहीं हुआ था। इस टर्म को हाइपरप्लेशिया कहते हैं, फैट सेल्स का नंबर जब इंक्रीज हो जाता बॉडी में तो फैट सेल्स का नंबर कम नहीं हुआ था, वो श्रिंक हो गए थे। तो जब भी मैं खाता था तो फैट सेल्स पानी पकड़ लेते थे और अपना साइज बढ़ा लेते थे जिसका वेट मेरा स्केल पे आता था। अब उसमें से जरूरी नहीं है कि वो 5 किलो फैट ही हो, वो 5 किलो में से 4 किलो वाटर हो सकता है और हो सकता है कि आधा किलो फैट गेन हुआ हो और लाइक 4.5 किलो वाटर हो सकता है और आधा किलो फैट हो सकता है, बहुत मिनिमल हो सकता है पर फैट गेन होगा। जो लोग कहते हैं कि एक दिन में फैट गेन करना इम्पॉसिबल हो, गलत है। चाहे वो नेग्लिजिबल रेट पे हो और बाद में बर्न हो जाए आसानी से, पर वो होता है सरप्लस में खाने से। पर आपको एक दो दिन की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो नेग्लिजिबल रेट होता है, इसलिए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हो। जो आपकी सरप्लस कैलोरीज है उसको आपने बर्न कर लिया तो बॉडी के पास कुछ गोडाउन में स्टोर करने के लिए बचेगा ही नहीं।